वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आज जो है कब कहाँ और कैसे का नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में स्टडी कराएंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन किए थे। ओके, कल हमने जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम ब्रिटिश सत्ता का उदय के बारे में बताएंगे। ये आप देख पा रहे हैं। ओके, ब्रिटिश सत्ता का उदय, यानी जो भारत में ब्रिटिश लोग आए और उनका जहाँ जो सत्ता रहा भारत में, उसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 6, ब्रिटिश सत्ता का उदय अपने अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए, यानी अंग्रेज लोग जो थे अपनी अपनी जो व्यापारिक हितों की आपूर्ति के लिए फ्रांसीसी और डच को नीदरलैंड वासी भी कहा जाता है, भारत आए थे। अंतः 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई। कहा गया है भारत में जो ब्रिटिश सत्ता का जो स्थापना हुआ था वह लगभग जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। ओके, मध्यकाल संबंधी ऐतिहासिक स्रोत। अब कहा गया है कि मध्यकाल में कुछ ऐतिहासिक स्रोत रहा है जिसके आधार पर इतिहास का उदय हुआ। क्या है? इस काल से संबंधित पर्याप्त ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध है। इन स्रोतों को तीन प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। कहा गया है कि मध्यकाल का जो स्रोत रहा है, इतिहास का जो स्रोत रहा है, ठीक है, उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है जो आप देख पा रहे हैं पुरातत्वीय स्रोत। आप देख पा रहे हैं पहला क्या है? पुरातत्वीय स्रोत। दूसरा क्या है? अभिलेख। दूसरा क्या है आपका? अभिलेख और सिक्के। तीसरा क्या है? साहित्य स्रोत। तीसरा क्या है? साहित्य स्रोत। चलते हैं, पहले हम डिस्कशन करते हैं पुरातत्वीय स्रोत के बारे में। ओके, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इस काल की जानकारी देने के लिए खुदाई से मिली वस्तुएं तो कम है, किंतु अनेक संरक्षित स्मारक अभी तक मौजूद है। कहा जाता है कि पुरातत्वीय स्रोत जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, उस समय जो है खुदाई से कम चीजें मिली हैं, खुदाई से जो है कम चीजें मिली है, लेकिन बहुत सारे स्मारक सुरक्षित थे, जिसमें से हम इस काल के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस स्मारकों में कुछ खास है। पहला है दिक्रपाराया बृहदेश्वर मंदिर। पहला क्या मिलता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बृहदेश्वर मंदिर, कंदरिया महादीप का मंदिर, लिंगराज और कोणार्क का मंदिर, सूर्य मंदिर, है ना, ये सब जो दिख रहा है, ये सब जो है आपको जो है अभी भी मौजूद है। जैसे कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जामा मस्जिद, किले जैसे लाल किला, आगरे का किला, चित्तौड़ का किला, मकबरे जैसे हुमायूं का मकबरा, सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा, आगरा स्थित ताजमहल, महल जैसे जोधपुर व जैसलमेर स्थित महल तथा मीनारे जैसे दिल्ली स्थित कुतुब मीनार, ये सब स्रोत होने के कारण ही, ठीक है, ये सब स्रोत होने के कारण ही जो है मध्यकाल भारत का इतिहास का जो है जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, दूसरा आती है अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख और सिक्के। अभिलेख के अंतर्गत चट्टानों, पत्रों और तांबे आदि धातुओं की प्लेटों पर खुदे हुए लेख शामिल है। ठीक है, कहा गया है कि अभिलेख में क्या क्या भाई? अभिलेख में जो है चट्टान के ऊपर खुदाई करके लिखी जाती थी, पत्थरों और तांबे धातु के प्लेटों पर भी जो है
उदे हुए लेख मिलते हैं। इस काल के मंदिरों, किलों और महलों आदि के स्तंभों व दीवारों पर अभिलेख पाए गए। इनसे हमें शासकों, उनकी नीतियों, विजय अभियानों, व्यापार, किसी घटना विशेष के सही समय, राज की संपन्नता आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। कहा जाता है कि अभिलेख जो है साहित्य के स्रोत की तुलना में अधिक विश्वास करने योग्य है, क्योंकि धातुओं और पत्थरों पर खुदे होने के कारण इनमें हेर फेर नहीं किया जा सकता है। देखो, साहित्य में क्या है, साहित्य में लिखने वाला कोई मनुष्य ही होता है जो कि कुछ भी लिख सकता है, लेकिन खुदाई में क्या, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर जो है आपको चोर युग का शिलालेख दिखाया गया है। बुक में देखिएगा तो चोर युग के शिलालेख हैं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं। पुराने सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करने वाला शास्त्र मुद्रा शास्त्र कहलाता है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा शास्त्र क्या कहलाता है या मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं। तो पुराने सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करने वाला शास्त्र ही मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। इस काल के शासकों ने सोना और चांदी दोनों धातुओं के सिक्के जारी किए। ये सिक्के पूरे भारत में पाए जाते हैं। सिक्कों से हमें किसी काल विशेष में घटित घटनाओं, राज्यों की आर्थिक स्थिति और उस काल के इतिहास क्रम का पता चलता है जिस काल में इन्हें जारी किया गया। देखो, सिक्कों से हमें क्या पता चलता है, तो सिक्कों से ये पता चलता है कि कौन से काल में ये सिक्के मिले थे और उस समय का राजा कौन था। तो मध्यकाल में जो सिक्के जारी किए गए थे वह सिक्के सोना और चांदी के होते थे। ठीक है, और उससे हमें किसी काल विशेष की घटनाओं का पता चलता है और जो है उस राज्य की आर्थिक स्थिति भी पता चलती है कि उस राज्य में जो है उस समय मध्यकाल में उसकी आर्थिक स्थिति कैसे थी। ठीक है, इस काल की कुछ पांडुलिपियां प्राप्त हुई है जिस पर लघु चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों का उद्देश्य विषय वस्तु को चित्रों के माध्यम से समझाना था। ये चित्र मध्यकाल में चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालते हैं। साहित्य स्रोत, प्रारंभिक मध्यकाल 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी की बात होती है। प्रारंभिक मध्यकाल जो रही थी, कलम ने बताए थे कि 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच के जो काल है वह प्रारंभिक मध्यकाल जाना जाता है। तो प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भारत में कागज का प्रचलन नहीं था। कहा गया है कि प्रारंभिक मध्यकाल जब शुरू हुआ था उसमें कागज नहीं थी। इस काल में लिखने का कार्य ताड़ के पत्तों, भोजपत्रों आदि पर किया जाता था। तो उस समय प्रारंभिक मध्यकाल में जो थी लिखने की जो कला थी वह ताड़ पत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखे जाते थे। लिखने के लिए कागज का प्रयोग उत्तर मध्यकाल यानी 13वीं से 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न आ सकता है कि कागज का आविष्कार जो है, तो कागज का जो प्रयोग होता था वो तो उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है, तो उत्तर मध्यकाल जो है 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का जो काल था वह मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो काल रहा था वह काल था आपका प्रारंभिक मध्यकाल। तो साहित्यिक स्रोतों में इन रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। राजाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, सरकारी अभिलेख, इतिवृत्त, धार्मिक पुस्तकें, इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और विदेशी यात्राओं का विवरण, ब्राह्मणों और अन्य लोगों द्वारा संस्कृत में लिखी गई पवित्र धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन जारी रहा। किंतु इस काल की अधिकांश कृतियां अरबी और फारसी भाषाओं में लिखी गई जो आज भी उपलब्ध है। कहा जाता है कि उस समय के जो राजा थे, मध्यकाल के जो राजा होते थे, वह अपनी आत्मकथा जो है लिखवाते थे। ठीक है, और उनका अनुवाद विभिन्न विभिन्न भाषाओं में किया जाता था।
राजाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं। अब देखते हैं कि राजाएं जो थे उसकी आत्मकथा लिखी गई थी, तो आत्मकथा क्या थी? इस काल में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा, याद रखिएगा अरे फिरोज जो शाह थे, फिरोज शाह की आत्मकथा जो लिखी गई वह फतुहात फिरोज शाही में लिखी गई, और उस पुस्तक का ये नाम। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी नामक अपना संस्मरण लिखा। बाबर के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है, बाबर का जिसमें जीवनी मिलती है, उस पुस्तक का नाम है तुजुक ए बाबरी। इस पुस्तकों से हमें इस काल के बारे में अत्यधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। सरकारी अभिलेख, आम्बेर वर्तमान जयपुर, आम्बेर कहा जाता था उस समय, वर्तमान जयपुर को आम्बेर कहा जाता था, ठीक है। तो आम्बेर के राजपुत्र सरदारों ने अनेक दस्तावेजों को सुरक्षित रखा, जिनमें मुगल शासकों के साथ उनके पत्र, व्यवहार, राजकीय घोषणा पत्र और शासन व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट शामिल, ठीक है। उसके बाद इतिवृत्त की बात करते हैं, तो जिया उद दीन वरही वर्णी सॉरी जिया उद दीन वर्णी 14वीं शताब्दी का इतिहास था। उसने एक इतिवृत्त लिखा जिनमें बलवन के राजा के राज्य रोहन में से शुरू होकर फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के आरंभिक वर्षों की घटनाओं का वर्णन मिलता है। अबुल फजल का आईने ए अकबरी महान मुगल सम्राट अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण। कलहन, कलहन द्वारा रचित, याद रखिएगा बाबर का जो जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, वो आईने अकबरी रही। कलहन द्वारा रचित राज तरंगिनी द्वारा चंदर दबाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज राजसूय समाहित। अभी आपको आ सकता है प्रश्न कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, ठीक है, तो किसने? चंदर चंदवर ताई द्वारा, ठीक है। और राज तरंगिनी की रचना कलहन द्वारा। साहित्यिक कृत्यातरी के ऐतिहासिक महत्व की है, ये कृत्या प्रारंभिक मध्यकाल की और स्थिति प्रकाश डालती है। उसके बाद उद्भव में है विदेशी यात्रियों का विवरण। इस काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। वेनिस से मार्को पोलो 13वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया। उसने दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर स्थित पांडे राज्य की स्थिति का अत्यधिक सजीव विवरण प्रस्तुत किया। वह वारंगल यात्रा पर भी गया। उसने गुजरात के व्यापारियों की बहुत प्रशंसा की। इब्न बतूता मिर्को का रहने वाला था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और 1420 ईस्वी में इटली से भारत यात्रा पर आए निकोलो कोट की अपने वृत्तांत में विजयनगर हिंदू साम्राज्य का काफी प्रशंसा की। देश के भी लेखों पुरानी पांडुलिपि या दस्तावेज और लेख सुरक्षित रखे। देखिए अब जो है कुछ और यहाँ पर बातें की गई हैं। अरब देश की बात की गई है। इस्लाम की स्थापना पैगंबर मोहम्मद द्वारा 7वीं शताब्दी के अरब में की गई। इस्लाम जो धर्म था उसका स्थापना किसने किया? पैगंबर मोहम्मद। और कब किया? 7वीं शताब्दी के अरब में किया। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा के नाम से जाने गए। 1632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के बाद अबू बकर उनका उत्तराधिकारी बना। अबू बकर ने अरबों के बीच एकता स्थापित की। अबू बकर और उसके उत्तराधिकारियों ने पश्चिमी एशिया के बड़े भूभाग सीरिया जॉर्डन इराक तुर्की फारस मिस्र और संपूर्ण उत्तरी अफ्रीका पर अपना कब्जा कर लिया। वे स्पेन भी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने दक्षिण फ्रांस पर आक्रमण किया।
परंतु अरबों की विजय दीर्घकालीन नहीं रही और 732 ईस्वी में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। मध्यकाल में इस्लामी सभ्यता का एक प्रमुख सभ्यता बनकर उभरी। तुर्की आक्रमण। 10वीं शताब्दी के अंत तक तुर्क मध्य एशिया में काफ़ी शक्तिशाली बन चुके थे। महमूद गजनी एक तुर्क था जिसने 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। आपको यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला तुर्की कौन था? तो महमूद गजनी, याद रखिएगा, उसने भारत पर, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। उसकी एक बड़ी इच्छा भारत की संपदा को लूटना और जीतना हो सके उतना धन गजनी ले जाने की थी। उसका एक ही काम था, क्योंकि ये लुटेरा था, वह आता था और भारत से जो है धन दौलत को लेकर अपने देश तुर्क चला जाता था। उसके बाद गजनी ने एक दूसरे सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसने सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा कर लिया। तुर्कों ने ही न कि अरबों में भारत की मुस्लिम सत्ता स्थापित की गई। मध्यकालीन यूरोप। सम्राट साल मैग्नी का शासनकाल 771 ईस्वी से 814 ईस्वी तक का रहा। उसका साम्राज्य अत्यधिक विशाल था, जिसमें आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम तथा जर्मनी और इटली के हिस्से शामिल थे। अरबों ने पहले ही स्पेन को जीत लिया था और दक्षिण फ्रांस को भी भयभीत कर रहा था। इस काल में लोगों के जीवन पर धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोत्तम पदाधिकारी पोप था। अन्य देशों के ईसाई धर्माध्यक्ष स्वयं पोप के ही प्रतिनिधि माने जाते थे। चर्च के पास काफ़ी अधिक भूमि और संपत्ति थी। 1076 ईस्वी में तुर्कों ने पवित्र शहर जेरूसलम पर अपना कब्जा कर लिया और पोप ने यूरोप के शासकों और जनता से पवित्र शहर की रक्षा करने का आह्वान किया। इस प्रकार 1096 ईस्वी में धर्म युद्धों की शुरुआत हुई थी। पाठ जो हमने पढ़ा है उसका सार यहाँ दिया हुआ है कि भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का समय माना गया है। मध्यकाल में तुर्की आक्रमणकारी अपने साथ अपने धर्म और अपने संस्कृति लेकर भारत आए। हमें मध्यकाल के बारे में जानकारी अनेक स्रोत से प्राप्त होती है, जिसमें पुरातत्वीय विभाग, अभिलेख, शिलालेख, मुद्रा शास्त्र और साहित्य स्रोत शामिल है। मध्यकाल में इस्लामी सभ्यता का एक प्रमुख सभ्यता थी। भारत में तुर्की आक्रमणकारियों ने मुस्लिम सत्ता की स्थापना की, ठीक है। तो ये पाठ का सार है, इसे भी आप पढ़ लें और देखेंगे। अब वीडियो का पूरा देखिए जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, हम अभी खींचेंगे, वीडियो भेजेंगे। पहले वीडियो इसका बुक नहीं ना, एक मिनट सर, इसका बनाइए ना, पहले आप काट लीजिए। हाँ, तो ये आपका जो है अभ्यास है, तो इस अभ्यास में जो भी दिए हुए हैं बहुविकल्प प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। जो आपको यहाँ पर सही रहेगा उस पर सही का टिक का निशान लगाना है। तो ये जितने भी प्रश्न उत्तर है वो अपनी आप कॉपी में, ठीक है, हिस्ट्री का कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। जैसे पूछा गया भारतीय इतिहास में निम्नलिखित कौन सा समय मध्यकाल कहलाता है, तो मध्यकाल का क्या समय था, हमने भी जस्ट बताया था कि मध्यकाल का समय क्या था, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो समय था वो मध्यकाल था। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन घ भी लिखना है और उसके साथ साथ ये भी लिखना है कि 18वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का समय जो रहा वही है। तो इस तरह से प्रश्न जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, बुक में जो दिया हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर सब आप खुद करेंगे, ठीक है। आपको बुक से देखकर खोज करके जो है आपको आंसर बनाने हैं, आप अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है सर। इसका जो है प्रश्न उत्तर नहीं बताएंगे, आपको बुक से खुद ढूंढना है, ठीक है, और आपको यहाँ पर उसे बनाने भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, सभी अपना प्रश्न उत्तर बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।